Good morning, students. So this is our fifth lecture of the second chapter of the subject GSED, as written on the board, Generic Skills and Entrepreneurship Development. And this lecture is prepared by Medha Varia. So chapter number two, as we have already started, Managing Self, and we have studied under that Maslow's Need of Hierarchy. Now today's topic is Self-Concept. सो सेल्फ कॉन्सेप्ट नाम से क्लियर करेंगे हम. सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब हाउ वी थिंक ऑफ आर सेल्फ, हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा हमें सोचना चाहिए अपने बारे में, कैसा बिहेव करना है, किस तरह से एक्ट करना है अपने लाइफ में, हर एक रोल को निभाते हुए कैसे हमें एक्ट करना है, कैसे हमें बिहेव करना है, कैसा हमारा रोल होना चाहिए हर एक लाइफ के एस्पेक्ट्स के लिए. सो सेल्फ कॉन्सेप्ट, अब मैं एक डेफिनेशन के तौर पे तुम्हें बताती हूँ. इज इट डिफाइंड एज द टोटैलिटी ऑफ आर बिलीव्स, प्रेफरेंसेस, ओपिनियंस, एटीट्यूड्स ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर टुवर्ड्स आर पर्सनल एग्जिस्टेंस. मतलब हम किस तरह, हमारे क्या बिलीव्स हैं, हमारी क्या सोच है, कैसे ओपिनियंस, कैसे विचारधारा है हमारी, हमारा एटीट्यूड, पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है. और वो सब एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक तरीके से लगाकर हम अपनी पर्सनल एग्जिस्टेंस की तरफ कैसे खींचें. सो इट इंक्लूड्स, सेल्फ कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स सोशल, द एबिलिटी. सोशल का मतलब क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद अदर्स. सोशल मतलब आप अपने सराउंडिंग्स में लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो, कैसे बातचीत करते हो. कॉम्पिटेंस, द एबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स, हमारे अंदर क्षमता, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने की क्षमता हमारा कॉम्पिटेंस लेवल दिखाती है. अफेक्ट, अवेयरनेस ऑफ इमोशनल स्टेट्स, हमें हमारे इमोशनल स्टेजेस के बारे में पता होना कि मैं किस मौके पर मैं कैसा बिहेव कर सकता हूँ, कैसा इमोशंस फील करता हूँ, वो हमें हमारे बारे में पता होने चाहिए. फिजिकल, फीलिंग्स अबाउट लुक्स, मतलब हम अपनी लुक्स के बारे में, अपनी बाहरी सोच के बारे में, क्या हमारे बाहरी जो हमारा पहनावा है उसके ऊपर हमारी क्या सोच है. हमारी हेल्थ, फिजिकल ऑल्सो रिलेट्स विद हेल्थ. फिजिकल कंडीशंस एंड ओवरऑल अपीयरेंस, आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है उसकी ओवरऑल अपीयरेंस के बारे में आपकी क्या सोच है, इट टेल्स अस इन द सेल्फ कॉन्सेप्ट. देन अकेडमिक भी इसी में आता है, आपने क्या पढ़ाई की हुई है, सक्सेस और फेलियर्स इन अकेडमिक्स, हर एक को अपने बारे में पता होता है, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में पता होता है कि आप कितना इंटेलिजेंट, कितनी आपका क्या लेवल ऑफ एजुकेशन है. देन फैमिली, हाउ वेल वन फंक्शंस विद इन द फैमिली यूनिट, आप अपनी फैमिली में किस तरह से फंक्शन करते हो, किस तरह से बिहेव करते हो, वट इज़ द योर रोल इन योर फैमिली, आपका अपनी फैमिली के अंदर क्या रोल है, ठीक है. सो सेल्फ कॉन्सेप्ट रेफर्स टू ऑल दीज एस्पेक्ट्स, ठीक है. देन इट इज फर्दर कैन बी व्यूड एज टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव व्यूज. हाई सेल्फ इस्टीम, आप अपने बारे में दो तरह से सेल्फ कॉन्सेप्ट को सेल्फ इस्टीम में डिवाइड करते हैं, हाई सेल्फ इस्टीम एंड लो सेल्फ इस्टीम. सो सेल्फ इस्टीम इज सेल्फ कॉन्सेप्ट अगेन. हाई सेल्फ इस्टीम इज कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज, मतलब ये जो सब एबिलिटीज हैं, आपको जब अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपका जो सेल्फ इस्टीम है, अपने बारे में जो सोच है वो हाई हो जाती है, अच्छी हो जाती है, अच्छी बन जाती है. सेल्फ एक्सेप्टेंस, अगर आप अपने आप को अपनाते हो, आप दिखने में काले रंग के हो, गोरे रंग के हो, आप जैसे भी हो, अगर इफ यू हैव एक्सेप्टेड योर सेल्फ, अगर आपने अपने आप को अपना लिया है, सो दैट इज हाई सेल्फ इस्टीम. आपकी विचारधारा अपने बारे में अच्छी है, ये नहीं कि अगर कोई काला है तो वो अपने बारे में अपने आप को नहीं एक्सेप्ट करता. जब तक वो नहीं एक्सेप्ट करेगा वो लो सेल्फ इस्टीम में रहेगा. एंड वेन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, चाहे आपका रंग काला है या सांवला है, चाहे आपकी जो अबिलिटीज़ हैं, हर किसी में हर कोई टैलेंट नहीं हो सकता, सबके पास अपनी अपनी अबिलिटीज़ हैं, सबके पास अपने अपने टैलेंट्स हैं, बट हर किसी को अपने बारे में पता होना चाहिए
जब ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाता है, द पर्सन बिकम्स अवेयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो वो हाई सेल्फ स्टीम का पार्ट बन जाते हैं। और दूसरों के बारे में, हाई सेल्फ स्टीम वाले लोग दूसरों के बारे में फिक्र नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, दे डू नॉट वरी अबाउट दैट। ऑन द अदर हैंड, लो सेल्फ स्टीम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, और किसी और की तरह दिखना चाहते हैं, वॉन्ट टू बी लुक लाइक समवन एल्स। वो सुंदर है, उसके बाल लंबे हैं, उसकी स्किन अच्छी है, उसका रंग अच्छा है, वो अच्छे कपड़े पहन रहा है। जब आप किसी और की तरह बनना चाहते हो, सो ये आप में लो सेल्फ स्टीम लेकर आता है। और दूसरों की सोच के बारे में, वो मेरे बारे में कैसा सोच रहा है, आप वही सोचते रहते हो, ठीक है। सो ये सब चीज़ें लो सेल्फ स्टीम की तरफ लेके जाती हैं। सो द सेल्फ कॉन्सेप्ट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रेजेंट। ये नहीं है कि सिर्फ आपको आज में ही जीना है, आपको अपने कल के लिए भी अपने बारे में जानना, अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। इट इंक्लूड्स आपका पास्ट और फ्यूचर सेल्फ, दोनों को इंक्लूड करता है। सो दिस वॉज सेल्फ कॉन्सेप्ट। इट इज, अगर आप अपने बारे में जान जाते हो, इट इज रिलेटिवली स्टेबल, ठीक है, स्टेबिलिटी आ जाती है हर एक इंसान में इफ यू नो अबाउट योर सेल्फ। देन नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मे बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सन। जब आप लोगों को देखकर उनको अंडरस्टैंड करते हो, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हो, इट इज़ दैट साइंस ऑफ डिस्क्राइबिंग और अंडरस्टैंडिंग अदर्स। द वर्ड पर्सनैलिटी ये कैसे बना है, इट हैज़ बीन मेड फ्रॉम परसोना, विच मीन्स मास्क। ये जो परसोना है, दिस मीन्स मास्क। एंड द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी कैन बी अंडरस्टूड एज द स्टडी ऑफ मास्क दैट पीपल वियर। मतलब कोई कैसा बिहेव करता है, क्या बनकर बिहेव कर रहा है, सो इट इज़ पर्सनैलिटी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मास्क पीपल वियर। सो वाइल देर आर मैनी डिफरेंट थ्योरीज इस पर्सनैलिटी को पढ़ने के लिए, बहुत सारी थ्योरीज हैं, द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है, इज टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, क्लैरिटी करनी है कि क्या है। सो पर्सनैलिटी अराइजेज फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल। ये कोई दिखावा नहीं है, हर एक के अंदर अपने आप से आती है एंड रिमेन्स फेयरली कंसिस्टेंट, और वो वैसा ही रहता है। जिस बंदे की पर्सनैलिटी जो है वो कंसिस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द लाइफ, विच वी कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ, कि वो अपने आप में जैसा है वैसा ही अपने आप को दिखा रहा है, अपने आप को बदल नहीं रहा है किसी के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग रोल्स के लिए वो नहीं बदल रहा है, तो वो सेल्फ है। सो आर पर्सनैलिटी इज़ द सम ऑफ, हमारी जो हर इंसान की जो पर्सनैलिटी है, इट इज़ द टोटल सम ऑफ करेक्टर, इमोशंस, इंटेलेक्ट, बिहेवियर, क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज, विच इंक्लूड, और क्या चीज़ें इंक्लूड करती हैं, ये सब चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। एंड ऑल्सो द एस्टिमेट ऑफ आउटसाइड पीपल अबाउट अस, कि लोग हमारे बारे में कैसा सोच रहे हैं। इन टोटल पर्सनैलिटी मीन्स वट वी आर, हम क्या हैं, हम कैसा सोचते हैं और हम क्या करते हैं, इज वट वी आर, वट वी थिंक एंड वट वी डू, ठीक है। सो सम ऑफ द फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स आर रिटन ओवर हेयर ऑफ पर्सनैलिटी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब एक जैसा रहना, हिंदी में एक समान होना। देयर इज जनरली अ रिकॉग्नाइजेबल ऑर्डर एंड रेगुलरिटी टू बिहेवियर्स। आपके जो बिहेवियर्स हैं वो सेम रहने चाहिए हर इन्वायरमेंट में। असेंशियली सबसे ज़्यादा पीपल एक्ट इन द सेम वेज और सिमिलर वेज इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस, उस चीज़ को हम बोलेंगे कंसिस्टेंसी। जब आप किसी भी तरीके के सिचुएशन में आप सेम बिहेव करते हो, एक जैसा रहते हो, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। देन सेकेंड इज
साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ये दोनों ही वर्ड्स क्लैरिटी करनी है. साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, पर्सनैलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट बट रिसर्च सजेस्ट दैट इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड नीड्स. साइकोलॉजिकल जो पर्सनैलिटी है, कहते हैं कि जो पर्सनैलिटी इट इज टोटली साइकोलॉजिकल, मतलब दिमागी, मतलब आप अपने बारे में कैसा सोच रहे हो, कैसा बिहेव कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय आर ब्रेन साइकोलॉजिकली, ठीक है. बट कई रिसर्चर्स कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल भी है, मतलब आपका आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपकी पास्ट कैसा है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, ठीक है. सो फिजियोलॉजिकल आपकी प्रोसेसेस और उन ज़रूरतों में भी डिपेंड करता है. इम्पैक्ट बिहेवियर्स एंड एक्शंस, पर्सनैलिटी डज नॉट जस्ट इन्फ्लुएंस हाउ वी मूव, ये सिर्फ किस तरह से हम काम कर रहे हैं उस पर नहीं डिपेंड करते, या किस तरह से हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन आर एनवायरनमेंट में, इट ऑल्सो कॉजेज अस टू एक्ट इन सर्टन वेज. देन मल्टीपल एक्सप्रेशंस, पर्सनैलिटी इज डिस्प्लेस्ड इन मोर देन जस्ट बिहेवियर, वो बहुत तरीके के एक्सप्रेशंस में झलकती है. इट कैन ऑल्सो बी सीन इन आर थाट्स, हमारी सोच कैसी है, हम किस तरह का फील करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स में हम किस तरह से हैं, और हमारी सोशल इंटरेक्शंस कैसी हैं. सो ये सब हमारे को मल्टीपल एक्सप्रेशन से पता चलता है, ठीक है. सो ये सब था अबाउट पर्सनैलिटी. उसके बाद आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपने आप को, अपने सेल्फ को डेवलप कैसे करना, ठीक है. सो सेल्फ ग्रूमिंग, इट मीन्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मीन्स एनहैंसिंग एंड ग्रूमिंग वन्स आउटर एंड इनर सेल्फ, अपने आप को अंदरूनी और बाहरी तरीके से किस तरह से आप इम्प्रूव करते हैं, दैट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड दैट टूवर्ड्स अ पॉजिटिव चेंज. वो अपने अंदर डेवलपमेंट कैसे करनी है एक अच्छे चेंज के लिए, टूवर्ड्स लाइफ, लाइफ में एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपने अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन लाना. सो लेट्स स्टडी अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. सो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर इंसान में. कैसे डेवलप कर सकते हो आप अपने अंदर पर्सनैलिटी को, बी कॉन्फिडेंट, बी योर सेल्फ, चेक योर अटायर, अपने आप को खुद ही चेक करो, जो आपने पहना है, अटायर इज योर पहनावा, आपका क्या पहनावा है, आपको खुद उसमें सेटिस्फाई होना है सबसे पहले, फिर सोचना है कि किसी को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको अच्छा लगना चाहिए. यू मस्ट फील कॉन्फिडेंट अबाउट वट यू वियर, जो आपने पहना है उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए. देन वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू एक्ट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, आपकी बॉडी कैसे एक्ट कर रही है इन फ्रंट ऑफ अदर्स, सो वर्क ऑन दैट. बी कर्टियस, आपको कर्टियस होना चाहिए सबके लिए, दया भावना, ठीक है, आपके मन में रिस्पेक्ट, ठीक है, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, छोटों के लिए प्यार, सो कर्टसी दिखाना बहुत ज़रूरी है. देन बी अ लिटल फन, ठीक है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, ये हमने सुना हुआ है. सो बी अ लिटल फन, कुछ हंसी मजाक होना भी ज़रूरी है, ह्यूमरस होना ज़रूरी है. बी अ गुड लिसनर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपने आप को जब हम अपने अंदर कुछ ट्रेक डेवलप करते हैं उसे हम बोलते हैं, तो उसके लिए वो तभी हमारे अंदर डेवलप होता है जब हमें सुनने की क्षमता होती है, व्हेन वी आर अ गुड लिसनर. रीड मोर ऑफन, पढ़ने की आदत डालनी है. डेवलप न्यू इंटरेस्ट, नए टैलेंट और इंटरेस्ट्स को डेवलप करना है. नए नए लोगों से मिलना, अपना विचार रखना, जब भी कोई डिस्कशन हो रही है, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टीम और व्हेन यू आर वर्किंग इन डिस्कसिंग समथिंग इन योर फैमिली, हैव योर ओन ओपिनियन, अपना ओपिनियन आगे रखना ज़रूरी है. ब्रिंग पॉजिटिवली इन योर आउटलुक, पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आनी है और अपने बारे में जानना, नो अबाउट योर सेल्फ. ये है डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेट्स, सिद्धांत जिनको हम बोलते हैं, ट्रेट्स क्या होने चाहिए,
ट्रेट्स आर द क्वालिटीज और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन. ये एक इंसान के करेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं. सो उसमें क्या क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, उसमें क्या क्या रूल्स क्या क्या हैं उसके. ट्रेट्स आर अ रेडीनेस टू थिंक और एक्ट इन अ सिमिलर फैशन इन रिस्पॉन्स टू अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस. सो ये एक अलग सी एक डेफिनेशन दी. असल में थ्योरी क्या है कि हमें क्वांटिटी में नहीं, हमें क्वालिटी में. करेक्टर जो है हमेशा क्वालिटी वाइज चेक होता है. सो कितनी टैलेंट है आपके अंदर वो नहीं कोई देख रहा है. हर एक टैलेंट की कितनी क्वालिटी है, हाउ मच यू आर टैलेंटेड इन वन थिंग ओनली. ठीक है. सो जो भी काम करो उसको क्लैरिटी से करो, उसकी क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए करो. ये नहीं कि मैं चार चीज़ों में माहिर हो गया बट हर चीज़ में मैं एवरेज हूँ. एक चीज़ सीखो और उसी में नंबर वन, उसी में माहिर हो जाओ. ठीक है. सो दैट इज मतलब सिद्धांत, मतलब आपके प्रिंसिपल्स आपको क्लियर होने चाहिए. सो कॉमन ट्रेट्स पर्सनैलिटी में, ये पर्सनैलिटी का ही पार्ट है. सो हर एक की पर्सनैलिटी में कुछ कॉमन ट्रेट्स होने चाहिए. वो कॉमन ट्रेट्स हर इंसान में होते हैं. ठीक है. सो नाउ लिस्ट सम बिग फाइव फैक्टर्स और कुछ ट्रेट्स जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं. सो सबसे पहला ट्रेट है जो हर इंसान में होना चाहिए, ओपननेस. इट इज़ एन एप्रिसिएशन फॉर आर्ट. जब भी आप कुछ अच्छा देखो, टेल, स्पीक अबाउट इट. ठीक है. आर्ट, इमोशन, एडवेंचर, कोई भी अनयूजुअल आइडिया, आपकी इमेजिनेशन, कोई वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस. इफ़ यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अदर्स, दैट मीन्स यू आर ओपन अबाउट योर सेल्फ. ओपननेस है आपके अंदर. द ट्रेट, दिस ट्रेट डिस्टिंग्विशेस इमेजिनेटिव पीपल फ्रॉम डाउन टू अर्थ कन्वेंशनल पीपल. जो सिर्फ सोचते रहते हैं लोग, उनको ये बदल देता है कन्वेंशनल पीपल में. स्टार्ट. पीपल हु आर ओपन टू एक्सपीरियंस, जो लोग नए एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन हैं, आर इंटेलेक्चुअली क्यूरियस. वो नई चीज़ें जानने के लिए उत्साहित है, क्यूरियस है. एप्रिशिएटिव ऑफ आर्ट एंड सेंसिटिव टू ब्यूटी. हर चीज़ को एप्रिशिएट करना, नई चीज़ के बारे में नया सीखने की अंदर तीव्रता होना. सो ये सब लोग ओपननेस की क्वालिटी वाले हैं. दे टेंड टू बी और कंपेयर टू क्लोज्ड पीपल. वो मतलब वो लोगों के साथ जुड़ा रहना पसंद करते हैं. वो मोर क्रिएटिव होते हैं, नया नया कुछ नया बनाना, कुछ नया सीखना, उनमें हमेशा यही भावना रहती है. एंड मोर अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स. उनको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के बारे में क्लैरिटी रहती है. दे आर मोर लाइकली टू होल्ड अनकन्वेंशनल बिलीव्स. जो मतलब जो अनकन्वेंशनल बिलीव्स हैं, जिनके बारे में जानना नहीं ज़रूरी है, दे आर मोर लाइकली टू होल्ड देम बैक. मतलब उनको पीछे छोड़ देना वो अच्छा समझते हैं. सो ओपननेस इज अ क्वालिटी टू एक्सपीरियंस. द पीपल हु आर रेडी टू ओपन देमसेल्फ फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. सो दैट वॉज ओपननेस ट्रेट. सेकेंड इज कॉन्साइंशियसनेस. द वर्ड इज कॉन्साइंशियसनेस. इट इज़ अ टेंडेंसी टू शो सेल्फ डिसिप्लिन. अपने आप को डिसिप्लिन में किस तरह से रखना है इंसान ने, सेल्फ डिसिप्लिन. एक्ट ड्यूटीफुली, किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होकर काम करना है, अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझना, अपने काम को इम्पॉर्टेंस देना. एंड एम फॉर अचीवमेंट. हमेशा आपका जो एम है लाइफ का, वो अचीवमेंट की तरफ होगा. प्लान्ड, सारी चीज़ें प्लान्ड हैं. कोई स्पॉन्टेनियस सिचुएशन भी आ गई, तब भी आप इस तरह से बिलीव करेंगे कि काम करेंगे, या इस तरह से आपका बिहेवियर होगा कि वो इट लुक्स लाइक दैट इट वाज प्लान्ड, कि वो पहले से ही प्लान्ड था. आप हर स्पॉन्टेनियस सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेंगे. द ट्रेट शोज अ प्रेफरेंस फॉर प्लान्ड रैदर देन स्पॉन्टेनियस बिहेवियर. सो जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया ये वो है. इट इन्फ्लुएंसेस द वे इन विच वी कंट्रोल. कॉन्साइंशियसनेस मतलब कैसे कंट्रोल, रेगुलेट करते हो और डायरेक्ट करते हो अपनी इम्पल्सिस को. जो भी आप एक्शन करने वाले हो उसको कंट्रोल करना,
उसे रेगुलेट करना, अपने एंगर को रेगुलेट करना, हर एक इमोशन को जब आप कंट्रोल करना सीख जाता है इंसान, दैट मीन्स इट द पर्सन हैज कंसाइंशियसनेस. एंड द बेनिफिट्स ऑफ हाई कंसाइंशियसनेस आर ऑब्वियस. क्या क्या हो सकते हैं? वो इंसान हमेशा ही ट्रबल को अवॉइड करेगा, अचीव हाई लेवल ऑफ सक्सेस थ्रू पर्पसफुल प्लानिंग, क्योंकि प्लान्ड करता है वो हर चीज़ को, ऐसे करता है कि वो प्लान्ड था, ठीक है, सो उसको सक्सेस मिलना ही मिलना. एंड दे आर ऑल्सो पॉजिटिवली रिगार्डेड बाय अदर्स एज इंटेलिजेंट एंड रिलायबल. तो हर किसी को यही लगता है कि द पर्सन इज इंटेलिजेंट एंड रिलायबल, अगर हम उस पर भरोसा कर रहे हैं तो वो काम कर ही दे, ही विल नॉट बिट्रे अस, वो हमें धोखा नहीं देने वाला. ऑन द नेगेटिव साइड दे कैन बी कंपल्सिव परफेक्शनिस्ट और वर्कहोलिक्स. तो ये एक अनदर नेम हो सकता है अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा इस ट्रेट को अपने अंदर ज़्यादा करने की कोशिश करते हो तो आप वर्कहोलिक हो जाओगे, सिर्फ काम 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 काम. सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन. इट इज़ द एनर्जी और पॉजिटिव इमोशंस एंड टेंडेंसी टू सीक द कंपनी ऑफ अदर्स. जब आप लोगों के साथ मिलना बैठना आप पसंद करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रावर्ट्स एंजॉय बीइंग विद पीपल. ये जो एक्स्ट्रावर्जन पीपल होते हैं दे एंजॉय बीइंग विद अदर्स, लोगों के साथ सोशल वेलबींग, सोशल बिहेवियर उनका बहुत, सोशल इंटरेक्शंस बहुत अच्छी होती है, एंड दे आर ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी. एक्स्ट्रावर्जन पीपल, ये जो एक्स्ट्रावर्जन क्वालिटी है जिनमें ये है, वो हमेशा ही फुल ऑफ एनर्जी होते हैं. दे आर एंथुजियास्टिक, हर काम को करने के लिए हाँ लेट्स डू इट, यस उनके हर काम होता है यस लेट्स गो लेट्स डू इट. वो कभी ना की तरफ नहीं लेके जाते, लेट्स गिव इट अ ट्राई. उनका हर काम में हाँ ही छुपी है, उनके हर काम में यही है कि हाँ इसको करके देखना है हमें. सो वो लोग नई अपॉर्चुनिटीज को एक्साइटमेंट की तरह लेते हैं. इन ग्रुप्स दे लाइक टू टॉक, टीम में भी वो अच्छा बिहेव करते हैं, ग्रुप में भी दे लाइक टू ओपन विद अदर्स, अपने विचार अपने ओपिनियंस रखना, अपनी सोच अपनी विचारधारा सबके सामने लेकर आते हैं. सो एंड दे ड्रॉ अटेंशन, और ऐसा करके वो लोगों की अटेंशन अपनी तरफ, लोगों का जो ध्यान है उनकी तरफ खिंचता है. सो ऑन द अदर हैंड इंट्रोवर्ट्स लैक्स एनर्जी, उनमें एनर्जी लेस, ठीक है, वो उनका एक्टिविटी लेवल वो कम है. दे टेंड टू बी क्वाइट, वो चुप रहना पसंद करते हैं. डेलिब्रेट, वो सोशल वर्ल्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, ज़्यादा बातचीत नहीं. देयर लैक ऑफ सोशल इन्वॉल्वमेंट, जब क्योंकि वो लोगों के साथ ज़्यादा मिलते घुलते नहीं हैं, तो दैट बिकॉज ऑफ दे आर डिप्रेस्ड और दे हैव शाइनेस इन देम, शर्माना, ठीक है. इंट्रोवर्ट सिंपली नीड्स लेस और मोर टाइम अलोन, उनको अकेले रहना ज़्यादा पसंद. सो नेक्स्ट इज एग्रीएबलनेस. इट इज़ अ टेंडेंसी टू बी कंपैशनेट एंड कोऑपरेटिव रादर देन सस्पिशियस टूवर्ड्स अदर्स. मतलब सबकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, जब बजाए कि ऐसे हर एक सिचुएशन को हाँ ठीक है लेट्स डू इट करते हैं, देखते हैं कैसा हल निकलता है. कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तब भी उसे वेलकम करना और उसके जो सॉल्यूशंस हैं ट्रबल, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ एक्साइटमेंट लेकर काम करना, ठीक है. दिस ट्रेट रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंस इन कंसर्न फॉर सोशल हार्मनी. एग्रीएबल इंडिविजुअल्स वैल्यू गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स. ये जो एग्रीएबलनेस, मतलब जो लोग सबके साथ घुल मिल जाते हैं उनको, उनके अंदर ये एग्रीएबलनेस क्वालिटी होती है. दे आर जनरली फ्रेंडली, जेनरस, हेल्पफुल और कॉम्प्रोमाइज करने वाले. एग्रीएबल पीपल हैव एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर. उनका जो ह्यूमन नेचर के लिए जो व्यू पॉइंट है वो आशावादी है कि हर काम अच्छा ही होना चाहिए, अच्छा ही हो रहा है. एंड दे बिलीव पीपल आर बेसिकली ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी. ये उनके बिलीव्स रहते हैं.
वे ऑन द अदर हैंड डिस्क्रिएबल जो इंडिविजुअल्स हैं दे प्लेस सेल्फ इंटरेस्ट अबव गेटिंग अलॉन्ग विद अदर. वो अपने आप के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जब औरों के साथ से. दे आर जनरली अनकंसर्न्ड विद अदर्स. उनको और किसी के बिहेवियर या और किसी के इमोशंस या फीलिंग्स की कोई चिंता नहीं है. दे आर लाइकली टू एक्सटेंड देमसेल्व्स. दे आर लेस लाइकली टू एक्सटेंड देमसेल्व्स फॉर अदर पीपल. वो लोगों के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करते. एंड लास्ट पॉइंट इज न्यूरोटिसिज्म और इमोशनल स्टेबिलिटी. सो इट इज़ अ टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस अनप्लेजेंट इमोशंस ईजीली. कोई भी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस इमोशन कैसा हो सकता है? एंगर, गुस्सा आना, एंग्जाइटी, घबराहट, डिप्रेशन और वल्नरेबिलिटी, समटाइम्स कॉल्ड इमोशनल इनस्टेबिलिटीज. वो जो इमोशंस हैं जो कि अनप्लेजेंट इमोशंस हैं उनको हम बोलते हैं इमोशनली इनस्टेबल क्वालिटी फीलिंग्स. दे आर मोर लाइकली टू इंटरप्रेट ऑर्डिनरी सिचुएशंस और थ्रेटनिंग और माइनर फ्रस्ट्रेशंस एज होपलेसली डिफिकल्ट. देयर नेगेटिव इमोशनल रिएक्शंस टेंड टू परसिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, विच मीन्स दे आर ऑफन इन बैड मूड. मतलब नेगेटिव इमोशन रिएक्शंस मीन्स वो ज़्यादातर बैड मूड में रह रहे हैं. मतलब उनका मन उदास है लॉन्गर समय, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए वो नेगेटिव इमोशंस में ही हैं. ठीक है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. उनकी जो न्यूरोटिक एबिलिटी है टू थिंक क्लियरली और मेक डिसीजंस इज अफेक्टेड बाय स्ट्रेस. वो स्ट्रेस की वजह से अफेक्ट हो चुकी है. एट द अदर एंड ऑफ द स्केल इंडिविजुअल्स हु स्कोर लो इन न्यूरोटिसिज्म, अगर इसमें आपका स्कोर कम है, आर लेस ईजिली अपसेट. वो ज़्यादा जल्दी अपसेट नहीं होते एंड आर लेस इमोशनली रिएक्टिव. उनको ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करवाते. वो इतना जल्दी उनसे प्रभावित नहीं होते. गुस्सा आ रहा है तो वो जल्दी कंट्रोल कर रहे हैं. कोई भी डिप्रेशन या घबराहट हो रही है तो वो ईजिली कंट्रोल कर पाते हैं अपने आप को. दे टेंड टू बी काम. वो नॉर्मल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. सहनशीलता बहुत ज़्यादा है उनमें. इमोशनली स्टेबल हैं एंड आर फ्री फ्रॉम परसिस्टेंट नेगेटिव फीलिंग्स. अपनी ये जो नेगेटिव उनके अंदर जो फीलिंग्स हैं उनसे वो परे रहते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रेट्स. थैंक यू स्टूडेंट्स. This was the topic under GSED subject. We have studied self-concept, personality, personality development, and the last is traits. Thank you very much.